सो है गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो फिलहाल पिछले ब्लॉग में आपने देखा था कि हम तलोकपुर जा रहे थे और अभी हम तलोकपुर पहुंच चुके हैं और हमने बैग वगैरह उठा लिए हैं। बैग वगैरह उठा के अभी हम निकल रहे हैं आगे मंदिर की तरफ। फिलहाल सभी लोग आ रहे हैं पीछे और हम जा रहे हैं आगे। तो अभी आगे चलते हैं माता के मंदिर, आसपास देख लेंगे, वहाँ पे हम विश्राम करेंगे सुधींदी और विश्राम करेंगे, साथ में लंगर वगैरह चखेंगे। और फिलहाल आसपास का व्यू आप चेक कर सकते हो, पीछे बहुत ही बड़ा पहाड़ है और सामने ही हमने गाड़ी पार्क की है। तो फिलहाल अभी निकलते हैं धीरे धीरे नीचे। तो फिलहाल दोस्तों अभी हम पार्किंग से नीचे की तरफ जा रहे हैं और सामने वाला व्यू आप चेक कर सकते हो। धीरे धीरे नीचे जाते हैं, उसके बाद फिर ऊपर चढ़ना है, उस तरफ जाना है। गाइस चलते चलते अभी हम आ चुके हैं भंडारे के अंदर और भंडारे में बैठ के हम खा रहे हैं यहाँ पे कड़ी चोल, जो कि इसके फेवरेट है और इसके यहाँ पे इच्छा पूरी होगी। मम्मी भी आ गई यहाँ पे, स्नेहा भी आ गई और नाना जी भी आ गए थाली लेके। फिलहाल खाते हैं, खाने के बाद फिर आगे चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों लंगर चख लिया है, तो अभी हम चलते हैं ऊपर की तरफ माता रानी के दरबार की तरफ और लंगर लंगर खा के सभी के पेट भर चुके हैं बढ़िया दाल, मेरा भी। तो नाना जी आ चुके हैं, तो नहीं है तो चलिए चलते हैं। तो गाइस पॉपट हो गया, पीछे धर्मशाला नहीं थी, वो था म्यूजियम और ये है सामने वाली धर्मशाला। तो फिलहाल पूछते हैं अंदर जाके क्या सीन है। सो गाइस धर्मशाला हमने बुक कर ली है, पर्ची भी कटा ली है। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं और रूम के अंदर। सो फाइन दोस्तों हम रूम के अंदर पहुंच चुके हैं और ये अपना रूम देख सकते हो आप। तो आज हम इन गद्दों के ऊपर सोएंगे और उसके बाद फिर मत्था कदे टेकेंगे। लगेंगे 4 बजे से कृपा करे माई अपनी माथा टेकने के लिए हम निकल जाएंगे और सुबह तक टिक जाएगा, उसके बाद फिर वापसी। सो गाइस नाना जी का ऑर्डर आया है चाय के लिए, तो चाय लेने के लिए चलते हैं नीचे। बाकी व्यू देख सकते हो आप यहाँ का, एक नंबर है। और फिलहाल अभी हम चलते हैं नीचे की तरफ, नीचे लगा हुआ है लंगर और फिर चाय वगैरह पीते हैं, कुछ खा पी भी लेंगे। सो गाइस कुछ टाइम रेस्ट करने के बाद अभी हम निकले हैं बाहर घूमने के लिए। तो बाहर का सीन देख के आते हैं कैसा है। अंधेरा हो चुका है आसपास और अभी हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। नाना जी आगे हैं, हम सभी पीछे। तो सामने प्रसादा बनना शुरू हो चुका है, ठीक 7 बजे लंगर हाल चालू हो जाएगा।
और देख सकते हो आप ये चाय की, अच्छा लंगर, लंगर के लिए लाइन शुरू हो चुकी है, बहुत लंबी है। तो पहले बार घूम के फिर उसके बाद लंगर वगैरह खाएंगे। सो गाइस, सामने का व्यू देख सकते हो आप कितना बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे है ग्राउंड सामने, और उस साइड है स्कूल, तो ये ग्राउंड में भी काफ़ी लोग हैं। और सामने ये ब्यूटीफुल टेंपल, और आगे जा रहे हैं हम और पीछे हम हैं। तो फिलहाल अभी हम निकले हुए हैं, कह रहे हैं गोलगप्पे खाने हैं, गोलगप्पे इनको खिला देते हैं सभी को, साथ में अपा भी खा लेंगे, और उसके बाद फिर देखते हैं माता कितने बजे टिकेगा और कितने बजे लाइन शुरू हो जाएगी मंदिर के लिए। सो गाइस, यहाँ से अपनी मेन मार्केट जो है वो शुरू हो चुकी है माता रानी की। तो यहाँ पे दुकानें वगैरह आप देख सकते हैं बनी हुई हैं, जहाँ पे खिलौने हैं, माता की चुन्नी है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएंगी। और बाकी अभी आगे चलते हैं धीरे धीरे। सो गाइस, सारा मेला घूमे हैं, मेला मूला घूम के अभी हम खा रहे हैं आइसक्रीम। तो अभी हम चलते हैं रूम की तरफ और लंगर वगैरह खा के थोड़ी देर रेस्ट करके इसके बाद फिर माथा वगैरह देखेंगे। 2 hours later. So hey, good morning guys. सुबह हो चुकी है और सुबह उठते ही सर हम तैयार हो चुके हैं माता टेकने के लिए। टाइम की अगर बात बताऊँ तो 4 बज चुके हैं और लाइन लग चुकी है लंबी वाली। फिलहाल अभी हम रेडी हैं और थोड़ी टाइम बाद यहाँ से निकलते हैं। सो फाइनली दोस्तों, अभी हम तैयार तुर होके निकल चुके हैं और सभी पीछे आ रहे हैं, तो देखते हैं इतनी लंबी लाइन है, और उसके बाद फिर माथा भी टेकना है। फिलहाल तो अभी लाइन के अंदर लगेंगे और मंदिर खुलेगा नेट 5 बजे, अभी मंदिर खुलने में 1 घंटा बाकी है। तो माता रानी का श्रृंगार यहाँ पे ले लिया हमने और टोकरी को सजा लिया बढ़िया डाल, तो इसमें सेट कर लेते हैं फटाफट। फूल वगैरह ले लिए हैं और कढ़ाई ले ली है, तो चलिए चलते हैं आगे। बाकी देख सकते हो आप अंधेरा हुआ हुआ है काफ़ी और लाइन बस वहाँ से शुरू है, तो चलिए चलते हैं अब। सो फाइनली पहुंच चुके हैं अंदर, थोड़ी सी दूर रह गया। सो गाइस, अभी हमने माथा मुथा टेक लिया है, माथा टेकने के बाद अभी प्रसाद भी खा लिया है, तो अभी हम चलते हैं नीचे की तरफ और ऊपर लंगूर बांध रहे हैं, देखो कितने कैसे कर रहे हैं। तो सामने देख रहे होंगे, देखो। तो फिलहाल निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस, माथा टेक के हम निकल चुके हैं बाहर, अभी हम मार्केट के अंदर हैं, शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं, कुछ चीज़ें हमने ले ली हैं, कुछ चीज़ें और देख रहे हैं। बाकी ये देख सकते हो आप, ये खिलौना इसने लिया है, इससे के साथ ये खेला करेगी, और मैं भी अपने लिए कुछ देख लेता हूँ। सो गाइस, हमने पैकिंग वगैरह कर ली है और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं घर की तरफ।
पूरियों की खुशबू आ रही है बढ़िया वाली। तो सभी आगे चल रहे हैं, मैं हूँ पीछे। तो घर जाते हैं, घर जाके रेस्ट करते हैं। फिलहाल खाना तो खाया नहीं, चाय वगैरह पी ली है, रास्ते में देखते हैं खाना भी खा लेंगे। और उसके बाद अभी तो यहाँ से निकलते हैं, और सामने देखो पकवान तैयार होने लग रहा है, दोपहर का खाना तैयार होने लग रहा है। तो गाइस शॉपिंग तो हो चुकी है कंप्लीट, अभी हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। पहले जाएंगे पार्किंग में और वहां से गाड़ी वगैरह उठा के फिर निकल जाएंगे हम घर की तरफ। फिलहाल रास्ते में खाना खुना खा लेंगे, अगर लंगर मिला तो लंगर भी खा लेंगे। बाकी सामने का व्यू देख सकते हो आप, एक नंबर है। पहाड़ वगैरह देख सकते हो कैसे कटा हुआ है। बाकी सभी पीछे आ रहे हैं। सो फाइनली दोस्तों पार्किंग के अंदर पहुँच चुके हैं, तो अभी अपनी सामने से गाड़ी उठाते हैं। थोड़ी ये चढ़ाई के ऊपर है पार्किंग, इसीलिए थक गए और फिर निकलते हैं। स्नेहा ने ये ले लिया मुकुट, तो चलिए चलते हैं अभी। 2 hours later तो जिंदा देखेगा। सो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं घर पर, अभी अंधेरा दिख रहा होगा, एक मिनट। हाँ